वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश हब नाइन नाइन चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर में इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य पहले हम इसके परिभाषा को देखते हैं डेफिनेशन को देखते हैं उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं द सेंटेंसेस मतलब ऐसा वाक्य फ्रॉम विच जिससे दी आर्डर आर्डर का मीन्स होता है आदेश रिक्वेस्ट प्रार्थना सजेशन सुझाव आर एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस मतलब व्यक्त किए जाते हैं इज कॉल्ड कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस उसको आज्ञा सूचक कहते हैं मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश की भावना हो रिक्वेस्ट प्रार्थना की भावना हो सजेशन सुझाव का भावना हो या अर्थ हो उसको हम क्या बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस इसको हम आगे और देखते हैं नाउन आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आर यूज इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट के जगह पर या तो नाउन होगा या तो फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा मतलब जो प्रोनाउन यूज करेंगे उसमें हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पर और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसके पहले मैंने आपको बताया किसी भी सेंटेंस में जो किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में बात होती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं यू इज ऑलवेज हिडन मतलब इसमें यू ऑलवेज हमेशा हिडन मतलब छिपा रहता है मतलब जो इम्प्रेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें यू हमेशा क्या रहता है छिपा रहता है इंक्लूड मतलब उसको दिखाया नहीं जाता है इसमें प्लीज काइंडली नेवर एंड और आलवेज हमेशा आल्सो यूज द वर्ड्स मतलब जो इम्प्रेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें प्लीज काइंडली नेवर और आलवेज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जैसे गो बोला गया गो का मतलब हुआ जाओ तो सामने वाले पर्सन से बोला गया मतलब सामने जो पर्सन रहेंगे उनसे ही हम बोलेंगे कि जाओ वैसे कम आओ मतलब गो कम केवल बोला गया तो ये क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस और दूसरी एक चीज़ और जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें verb का फर्स्ट form का प्रयोग होता है इसको भी आप लर्न कर लेंगे कि जो imperative सेंटेंस होता है उसमें verb का फर्स्ट form का प्रयोग किया जाता है देखिए गो देयर गो मतलब जाओ देयर मतलब वहाँ वहाँ जाओ लेकिन इसमें इंक्लूड है यू पहले ही मैंने आपको परिभाषा बता दिया है कि यू इसमें क्या है इंक्लूड है यू, यू को दिखाए नहीं जाते हैं तो गो मतलब जाओ देर मतलब वहां वहां जाओ डू गो जरूर जाओ मतलब गो मतलब जाना होता है लेकिन उसके साथ यदि हम डू लगा देते हैं तो उसका मतलब है जरूर जाओ या फिर अवश्य जाओ उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है ओपन द डोर ओपन मतलब खोलो डोर मतलब दरवाजा दरवाजा को खोलो तो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो इम्प्रेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो वर्ब होता है उसका फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है साथ ही साथ जो सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा मतलब जो सेंटेंस की शुरुआत होगा उसमें हमेशा आप बर्व से स्टार्ट होगा यहाँ पे ओपन मतलब खोलना होता है तो यहाँ से जो वह ओपन है ये हमारा वर्ब है वैसे कम इन कम मतलब आओ इन मतलब अंदर कम हमारा क्या है वर्ब है तो हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग जो है कहाँ से है वर्व से हो रहा है अंदर आओ उसके बाद प्लीज कम इन प्लीज मतलब कृपया कम मतलब आओ इन मतलब अंदर और एक चीज और इस प्रकार के सेंटेंस में जो प्लीज होगा आलवेज होगा कांडली जैसे वर्ड यूज शुरू में किए जाते किया जाता है लेकिन कामा लगाया गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन पार्ट है सेंटेंस का मतलब वाक्य जो मेन पार्ट है वो हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट है ये तो प्लीज और कांडली केवल एक सभ्य भाषा के लिए यूज किया गया है तो कृपया कम इन इन मतलब तो अंदर कृपया अंदर आओ तो यहाँ पर जो कम वर्ड है हमारा एक वर्ब है जो कि सेंटेंस की स्टार्टिंग पॉइंट है बी ट्रू ट्रूथफुल बी मतलब रहो या बनो ट्रूथफुल मतलब सत्यवादी सत्यवादी बनो तो ये भी सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है वर्ब से हो रहा है बी मतलब होना होता है या बनना होता है तो ये हमारा वर्ब है उसके बाद आलवे स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज मतलब हमेशा स्पीक मतलब बोलो ट्रूथ मतलब सत्य हमेशा सत्य बोलो तो इसमें भी क्या है जो स्टार्टिंग हो, हो रहा है स्पीक वर्ब से हो रहा है नेवर टेल अलाई नेवर मतलब कभी नहीं टेल मतलब बोलो अलाई मतलब झूठ कभी भी झूठ मत बोलो उसके बाद है देखिए जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा डोंट का प्रयोग किया जाता है डोंट का प्रयोग करें या फिर नॉट का मतलब यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के पहले यदि हमें नेगेटिव पॉइंट को लगाना है तो उसके पहले डोंट लगाया जाता है हम डू नाट को नहीं लगा सकते और यदि वर्ब के बाद लगाना है तो हम नाट लगाएंगे डोंट टेल लाई झूठ मत बोलो तो इसमें भी हमारा वर्ब क्या है टेल है उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वास्तव में होते क्या हैं देखिए ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन करते हैं ये ज़्यादातर केसेस में सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं मतलब सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं जैसे आई ही सी दे यू बी ये हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं लेकिन यही आई जब ऑब्जेक्ट में आता है तो ऑब्जेक्टिव रूप धारण कर लेता है मतलब आई हमें यदि आप हमें इम्परेटिव सेंटेंस में राइट करना राइट करना है आई को तो आई नहीं राइट करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या राइट करेंगे मी वैसे ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा हिम सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा हर दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा देम यू का ऑब्जेक्टिव रूप यू ही होता है मतलब यू सब्जेक्ट में भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है वैसे वी बी मतलब हम होता है मतलब हमें मतलब यहाँ से ये समझ में आता है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होगा उसमें हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा और जो भी हम यूज करेंगे वहां पर या तो नाउन यूज करेंगे या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चलिए एग्जाम्पल को से हम और आगे देखते हैं देखिए लेट लेट के साथ मतलब जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी लेट के प्रयोग मतलब लेट वाले वाक्य के इंपरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं लेट मी गो इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो इमेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें जो सब्जेक्ट यूज किया जाएगा वो या तो नाउन होगा या तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेट मी मतलब मुझे गो मतलब जाने दो मुझे जाने दो तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मी है तो मी जो वर्ड है ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी मुझे जाने दो लेट रोहित हिम यहाँ पर रोहित किसी का नाम है ये हमारा नाउन है तो लेट राहुल राहुल ही प्ले राहुल को खेलने दो तो अब देखिए जो लेट वाले वाक्य होते हैं उसमें लेट स्टार्ट में किए जाते हैं और लेट का जो अर्थ होता है अर्थ ये होता है किसी काम को करने देने के सेंस में मतलब यहाँ किसी काम को करवाया जाता है इस सेंस में लेट का प्रयोग किया जाता है यदि इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट लेट मी गो डोंट लेट मी मतलब मुझे गो मतलब जान, मुझे मत जानो दो दे। तो देखिए जब हम लेट वाले वाक्यों का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डोंट के साथ शुरू में यदि हमें नॉट लगाना है तो डोंट के साथ लगाएंगे और यदि हमें आ, मी के साथ लगाना है, मतलब सब्जेक्ट के बाद लगाना है तो केवल नॉट ही लगाएंगे मतलब आप लेट वाले वाक्य को चाहे आप ऐसे बनाइए मतलब डोंट को पहले स्टार्टिंग में रख दीजिए और उसके बाद मी के बाद, बाद नाट लगा दीजिए दोनों तरीके से राइट है चाहे आप ये राइट करिए चाहे ए राइट करिए दोनों का सेंस सेम है मुझे मत जाने दो मुझे मत जाने दो उसके बाद है डोंट लेट हीम गो उसे मत जाने दो तो यहाँ पर देखिए डोंट लगा है और सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब ही सब्जेक्ट में आता है लेकिन हम जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है हिम न कि ही यदि इम्प्रेटिव सेंटेंस को छोड़कर कोई और सेंटेंस होता तो वहाँ उसी के लिए हम वह लगा सकते थे उसी प्रकार यहाँ है, लेट हिम नॉट गो उसे मत जाने दो मतलब इसी से मतलब इसी सेंटेंस का जैसे मी की जगह यदि हिम लगाया गया है तो डोंट लेट हिम गो उसे मत जाने दो या फिर इसी नेगेटिव इस वाक्य को हम ऐसे बना सकते हैं लेट हिम नाट गो उसे मत जाने दो मतलब या तो हम डोंट स्टार्टिंग में लगा दें लेट के पहले या फिर हम लगा दें कि हिम के बाद नाट लगा दें तो दोनों का मीन्स क्या होता है सेम और इसको हमेशा याद करेंगे जैसे कि यदि केवल कम बोला गया तो ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में होता है इसका मतलब है आओ या आइए वो मतलब जाना है या फिर जाइए तो ये सभी वाक्य किस में आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है इसलिए इस बातों का ध्यान रखेंगे आगे